साइंस का पेपर पास, डट के कर लो तैयारी, फिर जुड़े रहो लॉन्च पैड एजुकेशन पंजाब से। ना हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वार्निंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लॉन्च पैड एजुकेशन पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जी साढ़े सारे का। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सारे जनों को, राइट। आई विश कि ये साल सारे का बहुत बढ़िया होवे। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग अमृतपाल, काजल, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सो स्टार्टिंग द ईयर विद लॉन्च पैड एजुकेशन पंजाब, सो मेरी दिली तमन्ना है कि इस साल जड़ा है सारे का, यह साल जड़ा है तैयारी का खीरला साल रवे, ते नौकरी दी ट्रेनिंग वगैरह का पहला साल रवे। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। बलकरण जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट कर दिया जी न्यू ईयर मैराथन दे नाल। अज आप 8 बजे के नेड़े तेड़े क्लास लेके हाजिर हो गए हाँ। इस तो इलावा अज पूरा दिन क्लासेस चलनगे, न्यू ईयर मैराथन चलेगा। सो हंड्रेड ऑफ क्वेश्चन आप सोल्व करांगे विद डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। पंजाब जीके का सब्जेक्ट है, अपने को एक होर मॉक टेस्ट है, मेरे नाल तुसी मॉक टेस्ट स्टार्ट कीता है, देन संचन सर दे नाल मेंसुरेशन एंड पॉलिटी दे क्वेश्चंस जिहड़े आ तुसी सॉल्व करने हैं। सो सेशन दे विच बने रहना है सारिआं ने एंड ऑफ द डे तक, ताकि तुसी इस न्यू ईयर दी शुरुआत जिहड़ी है जी बहुत वधिया तरीके नाल मैक्सिमम प्रैक्टिस दे नाल स्टार्ट करिए। डेफिनेटली गुड। सो देखो वैसे 75% वाली जो इन्फॉर्मेशन कल दसी सी जी तुहानू सारिआं नू, सो टीचर्स ने ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट नू कह के जो 75% ऑफ वाला डिस्काउंट है जी उन्हों आज दे दिन वास्ते फिर एक्सटेंड कर लेता है। सिंस कुछ बच्चे रात में परचेज नहीं कर पाए एंड आई गॉट पर्सनल मैसेजेस, सो टीचर्स की रिक्वेस्ट के उत्ते मैनेजमेंट ने एक होर दिन लई और मे बी हाफ डे लई 75% नू एक्सटेंड कर दिता है। सो 75% ऑफ दे अंडर सारे टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज बहुत नॉमिनल अमाउंट अवेलेबल है। सो ये वास्ते जो कोड लगाना है जी LP निकिता कोड लगाना है वेबसाइट launchpadeducation.in ते जाके, जिहदे नाल कोर बैच जिहड़ा है जी बहुत रीजनेबल प्राइसिस ते मिल रहा है। कोर बैच इज एट 1750। सो सपोज अज तुसी कोर बैच परचेज करदे हो एंड अगे पंजाब पुलिस पंजाब पटवारी दी वैकेंसी आएगी, तुसी अल्टीमेटली उहदी तैयारी लई एलिजिबल हो जाओगे, वह तुहाडे कोर्स दे विच अपने आप एड हो जाएगा, राइट। सो ए जी कोर बैच दी इनफॉर्मेशन है। सो इस सिचुएशन का फायदा चकते हुए, डिस्काउंट का फायदा चकते हुए, गो फॉर कोर बैच आई वुड सजेस्ट, क्योंकि फिर तुसी हुन कोई होर एग्जाम परचेज करोगे। टेस्ट सीरीज दे भी हैवी डिस्काउंट है, जेडे बच्चे वीडियो वगैरह दे एग्जाम लिए अपीयर होने जा रहे, एक्साइज दे एग्जाम लिए अपीयर होंगे, क्लर्क दे एग्जाम लिए अपीयर होंगे, ऑल द टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल। वैबसाइट पर पहुंचो एंड उत्थे जाके कोड लगाना है जी LP निकिता। ए NCERT की जी क्लासेस है जी 15 December तो स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब पर, सो अगर तुसी मिस कीतियां है गो वॉच दैम। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस 8 to 9 PM लगती है। This is about 75. A midday तक maybe they'll close this because थोड़ी जी extension ही कराई गई है on teacher's request. ठीक है, so again course वास्ते तुहाडा code केड़ा है जी LP निकिता कोड है, दे विच स्पेस नहीं देनी, डोंट गिव स्पेस। वेबसाइट पे जाके launchpadeducation.in स्टार्ट करिए जी सेशन। सो उस तो इलावा PCS दे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज दे उत्ते भी 10,000 दा डिस्काउंट है, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो लिमिटेड टाइम ऑफर। सो न्यू ईयर आ गया है, अज पहली तारीख हो गई है, सो कुछ एक दो दिनों ऑफर जी है जी क्लोज हो जाएगी। तुम डेमो क्लासेस अटेंड करके देख सकते हो साढ़े नाल, रजिस्टर योर सैल्फ, अटेंड द डेमो एंड दैन डिसाइड, बिकॉज इस साल आप PCS की नोटिफिकेशन नू एक्सपैक्ट कर रहे हैं, राइट। सो मेक श्योर कि नोटिफिकेशन आने तो पहले अपनी तैयारी जी है ओनली उन्हें स्टार्ट कर देता है। एक बार सैशन शेयर कर दो जी सारे जने मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसिस से, ताकि स्टूडेंट जिहड़े है जी सेशन नू जॉइन इन कर लैन, राइट। सो पहले क्वेश्चन वाल चलते हाँ। हू हैज पेंड डाउन द पोएम खूनी वैसाख, जिहड़ी कि
जलियांवाला बाग मैसेकर दी कंडीशन नु जड़ा है दिखा दी है खूनी वैसाख गो ऑन ऑप्शंस देखो अमृता प्रीतम दिलीप कौर तिवाना जसवंत सिंह कानवाल एनडी अपने को आ रहा है नानक सिंह गो ऑन फटाफट आंसर्स देंगे जी सारे जाने ओके ऑल राइट वी ऑलरेडी हैव द आंसर्स अमृतपाल वलकरन दुपिंदर ओके तो बड़ी शिद्दत दे नाल आपा सेशन जड़ा है स्टार्ट करना है इट इज नानक सिंह जो है वो एसोसिएटेड है खूनी वैसाख नाल जो कि जलियांवाला बाग दे इंसिडेंट जड़े है ओनू शोकेस कर दी है ओनू प्रेजेंट कर दी है हेलो राहुल जी वेरी हैप्पी न्यू ईयर चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन सो आप डिस्कस था लास्ट टाइम कर ही लिया सी कल की न्यू ईयर दे प्लान्स की है कईयां दा नवे साल दा प्लान ब्याह कराना है मैनू पूरी पूरी उम्मीद है कि इस साल नौकरी लैके ओ ब्याह जरूर कराएंगे तो सानू इनविटेशन जरूर भेजेंगे है ना लॉन्च पर भी पूरी टीम फिर ब्याह ते आएगी राइट सो लेट पंजाबी फोक सिंगर इदू शरीफ एक केड़े फोक इंस्ट्रूमेंट दे नाल एसोसिएटेड है सो 2020-2020 दे विच जड़े है इन्हां दी डेथ हो गई सीगी सो ए किस इंस्ट्रूमेंट दे नाल एसोसिएटेड तुम्बी अलगोजा सरांगी एंड दब चलो 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 आई होप स्पेशल सेशंस लगाए ने बिकॉज़ ये क्वेश्चन आपां स्पेशल सेशन दे विच कीता सीगा वाई स्पेशल सेशन क्यों दा नाम रखा जांदा है कोई रीजन है कि ओ स्पेशल सेशंस हुंदे है ठीक है 9 पीपल वाचिंग ते सिर्फ एक आंसर आया है ओ भी मैनूं पुछण लई कि मैडम ए आंसर है कि नहीं बाकी सारे कितने गायब ने की सोच रहे ने आगे आ जाओ न्यू ईयर हैंगओवर तो बाहर सारे जाने आंसर है जी डी डी करेक्ट आंसर है ओके चलिए जी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर तो चलो आई गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑल राइट डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो चाइनीज ट्रैवलर ह्यूई सांग ने किस एंशियंट पंजाब दे टाउन दे बारे वध चढ़ के लिखिया है ऑप्शंस देखो लाहौर पेशावर मुल्तान एंड सरहंद हैप्पी न्यू ईयर लवली जी वेरी हैप्पी न्यू ईयर गो ऑन सो ह्यूई सांग ने लिखा है जी पंजाब दे इस टाउन दे बारे बहुत वध चढ़ के राइट अगर तुसी पंजाब दी स्टैंडर्ड किताबा फॉलो कीतियां है पंजाब जी के लिए तो तुहानू आंसर आंदा होएगा लाहौर पेशावर मुल्तान एंड सरहंद आंसर है जी डी सरहंद वेरी नाइस डी करेक्ट आंसर है केवल दो करेक्ट आंसर आए हैं स्टैंडर्ड किताबा पढ़निया बहुत जरूरी है ठीक है बिना बुक्स दे जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते ने चाहे अगर तुसी कोर्स भी परचेज कर लेने हो उस तो बाद भी जरूरी है कि तुसी सेल्फ स्टडी दे ऊपर जोर पाओ ठीक है सेल्फ स्टडी का हिस्सा है तुहाडी स्टैंडर्ड किताबा सो उन्हां स्टैंडर्ड किताबा नूं बहुत शिद्दत दे नाल सॉल्व पढ़िया करो जी उहदे विच एक क्वेश्चन सीधा सीधा पंजाब जी के लिए केड़ी किताब फॉलो करते हो उत्थों ही आया होया है ठीक है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ठीक है फर्स्ट सिख गुरु टू बी मार्टर्ड वॉज गुरु अर्जन देव जी सीगे गुरु रामदास जी सीगे गुरु हर गोबिंद जी एंड गुरु तेग बहादुर जी गो ऑन मैं अगेन दस दवा कि मैं GI टैग्स दे उत्ते एक ऑलरेडी सेशन ले लेता है GI टैग्स तो अगर पेपर दे विच कोई क्वेश्चन आना होया तो उस सेशन तो बाहर नहीं आएगा है ना आई थिंक 20-25 मिनट का सेशन है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ MCQs ਨਹੀਂ ਹੈ ਥਿਉਰੀ ਪੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GI ਟੈਗਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਰ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਹਲਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ अमृतसर पटियाला लुधियाना एंड लास्ट आ रहा है फतेहगढ़ साहिब गो ऑन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब छपार इज हेल्ड मेला व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्विकली ओके ओके सी लुधियाना 100% करेक्ट वेरी गुड आंसर है जी सी ओके ਅੱਜ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਸੋ ਗੁੱਗਾ ਨਵਮੀ
ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚੈਤਰ, ਚੈਤਰਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬਦਾਉ, ਵਿਸਾਖ ਐਂਡ ਸਾਵਨ। ਗੋ ਆਨ। ਬੀ, ਓਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ? ਸੋ ਗੁੱਗਾ ਨਵਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਾਉ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ, ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਟਾਫਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਇਨ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਜਰੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਮ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੇਮ ਪਿੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗਜਰੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਏ ਮਨਜੀਤ, ਆਲ ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦ ਵੈਰੀ ਪੋਪੂਲਰ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਫੋਕਲੋਰ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਸਿਮ ਸ਼ਾਹ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੇਲੂ। ਗੋ ਆਨ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ, ਚਾਹੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਜਰੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਸਿਮ ਸ਼ਾਹ। ਓਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਸਿਮ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਗ ਬਣੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਲ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਗੁੱਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਈਲ ਸਟੋਨ ਅਚੀਵ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਲਿਟਰਰੀ ਵਰਕ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ? ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਹੂਜ਼ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਲਿਟਰੇਰੀ ਵਰਕ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਓਕੇ, ਸ਼ਵੇਤਾ, ਕਾਜਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ, ਆਲ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਮੇਲਾ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋਰ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਹੰਦ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਤਸਰ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗੋ ਆਨ, ਯੈਸ ਲਵੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਗੁੱਡ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ। ਅੱਜ 11 ਤੋਂ 22 ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ, ਦੋ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਅਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਨਸਰ ਸਰਹੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੈਸ ਮੈਮ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਏਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਓਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਯੈਸ ਅਮਰੀਕ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸ ਵਰਕ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਓਕੇ, ਸੋ ਗੋ ਆਨ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਤਿਵਾਨਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਐਂਡ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਗੋ ਆਨ, ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਤਿਵਾਨਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਐਂਡ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਵਾਰਡ। ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ?
बिल्कुल सी इज द राइट ऑप्शन. लवी ने करेक्ट आंसर देता है बलकरण. गुड वेरी नाइस. चलिए जी अगले क्वेश्चन थे. किसी ने कमजोरी तो नहीं महसूस हो रही सोरे सोरे देख लो. चलना अगले क्वेश्चन थे. डंडन लंडन हो गया. हाँ दिलीप कौर तिवाना एब्सोल्युटली. चलिए ओके नेक्स्ट सवाल देखो कि आ रहा है. इन्हां विचों केड़ी सिटी ऑफ पंजाब दे विच पायल फोर्ट जड़ा है ओ लोकेटेड है. ऑप्शंस देखो पटियाला लुधियाना आनंदपुर साहिब एंड लास्ट है फिलौर. खुशवंत सिंह नाल एसोसिएटेड है ट्रेन टू पाकिस्तान भूपिंदर कौर एंड बलकरण सिंह. वेरी गुड शाबाश. 110% इथो क्वेश्चन जड़ा है जी आना ही आना है चाहे वो पंजाब का कल्चर होए चाहे वो पंजाब की लिटरेचर होए. सो मेक श्योर कि तुसी ये सारी चीजा जड़िया उन्हों करके जाने हो. ठीक है. हैलो हैप्पी न्यू ईयर बत्रा साहब. मेरी उम्र 150 साल होवे तुसी मैनू जिंदगी दे विच दुखी देने ने हैं. 150 साल नहीं चाहिए वेरी लिमिटेड होनी चाहिए जिंदगी है ना. बी लुधियाना है ना बाबू मोशाए जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए समथिंग लाइक दिस है ना. इदां दा एक डायलॉग है वही मैंने याद आ गया. सो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन थे. डन ओके नेक्स्ट सवाल देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. करेक्टली मैच दसना है. ऑप्शन देखो गोल्डन टेंपल अमृतसर देवी तालाब मंदिर बठिंडा दुर्गियाना मंदिर अमृतसर टिल्ला बाबा शेख फरीद कपूरथला. जो इनकरेक्टली होएगा उदा भी आंसर दसना है कि यह सही जगह ते किथे होएगा. ठीक है. हाय समीर गिल जी हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर जी सारियां नूं. पत्रा साहब तुहाडा न्यू ईयर दा रेजोल्यूशन की है. एग्जाम क्रैक करना तो एक है ही है उस तो इलावा मैनू बहुत मजा आता है ना सारे ने रेजोल्यूशन सुन के कि कौन की रेजोल्यूशन बना रहा है. राइट गो ऑन करेक्टली मैच्ड पेयर दसना है. एंड मेक श्योर कि तुसी मैनू ये भी दस दो कि इनकरेक्टली जड़ा है उहदे विच सही की आएगा. करेक्ट आंसर है सी. वेरी नाइस. गोल्डन टेंपल अमृतसर दुर्गियाना मंदिर भी अमृतसर देवी तालाब मंदिर एंड टिल्ला बाबा शेख फरीद कितने है. देवी तालाब मंदिर जलंधर अमृतपाल. वेरी नाइस. एंड वेयर इज दिस बाबा शेख फरीद टिल्ला. ओके फरीदकोट. गुड डॉलर अर्न करने हैं. वाह डॉलर वांग बत्रा साहब चल दे. नाइस गुड मॉर्निंग विराज. वेरी गुड मॉर्निंग. न्यू ईयर दी बधाइयां सारियां नूं. इन्हां विचों केड़ा फोक डांस नहीं है. इहदे अकॉर्डिंग आंसर जिहड़ा है जी करेक्ट देना. क्वेश्चन च पूछा है फोक डांस नहीं है ते जे किसी ने आंसर गलत कीता तो फिर सोचांगे उहदा की कीता जावे. लुड्डी चुल्ली तुमल एंड सामी समी. गो ऑन मेक श्योर कि क्वेश्चन ध्यान नाल फॉर्मेशन जिहड़ी है उहनूं ठीक तरह रीड कर रहे हो. पूछा है इन्हां विचों केड़ा फोक डांस नहीं है. अमृतपाल जी ने किया है डी नन ऑफ दीज मतलब सारे ही फोक डांसेस है. ओके फाइन बाकी सारे सोच रहे ने. हुन मैं पहली वार्निंग दे दी हुन डर गए ने सारे. हुन आंसर दईए कि ना दईए गलत ना हो जाए. डी वेरी गुड अमरीक. आंसर डी है जी बिकॉज सारे ही जड़े है फोक डांसेस है. लुड्डी फीमेल फोक डांस है या मेल्स का फोक डांस है. व्हाट अबाउट लुड्डी मेल्स का फोक डांस है या पंजाब दे विच फीमेल्स का फोक डांस है. फटाफट आंसर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके ओके थैंक यू जी. थैंक यू सारियां दा बहुत बहुत गुड विशेस ले. थैंक यू सो मच. आज दा दिन फुल ऑफ गुड विशेस है. थैंक यू सो मच. आई एक्सपेक्ट सेम फॉर यू ऑल. ठीक है लाइकवाइज म्यूचुअल फीलिंग्स ही है. सो ऑर्नामेंट्स दे रखे हैं एंड दे रखे कि किथे पाए जाते हैं. फोरहेड नोज नेक एंड ईयर कांति बालक कर्ण फुल एंड बनवाथा. राइट सो मैच करना है. लुडिज्म मेल डांस. मेल डांस आंसर आया है. देन अपने को आया है दोनों लई. बिल्कुल इट इज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. ओके चलो मैच करना है जी. ऑर्नामेंट्स दे रखे है केड़ा ऑर्नामेंट किथे पाया जाता है. ओके सो गो ऑन. यस सेम टू यू काजल सेम टू यू जी सारियां नूं. आंसर है बी.
बी करेक्ट आंसर है, राइट बी ही है, मोस्टली सारे ने बी दिता है, ग्रेट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ते, सेशन ते लाइक बटन दब दो सारे जाने ते उस तो बाद सेशन नू शेयर कर दो। अज न्यू ईयर के मौके ते सेशन जड़ा है, क्लासेस जड़िया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए है बहुत स्पीड दे नाल। ऑल्सो कल आप 75% ऑफ लगाया सी एंड रात तक स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे सी, कई लोग परचेज नहीं कर पाए, तो ऑन टीचर्स डिमांड मैनेजमेंट नू किया गया है कि ये 75% जड़ा है जी अज हाफ डे तक एक्सटेंड कर दिता जाए। सो इस 75% दे अंडर तुसी सारे टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज दे उत्ते बहुत हैवी डिस्काउंट है जी आज हाफ डे तक। सो दे वास्ते तुसी कोड लगाना है जी एलपी निकिता। अगर किसी ने टेस्ट सीरीज या ज्वाइन करनी है या कोर्सेज ज्वाइन करने हैं एंड अगर तुहानू कोई डाउट्स है उहदे विचों तां यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सैक्शन, गो ऑन, ठीक है। मेक श्योर कि इस ऑपरचुनिटी दे अंदर तुसी टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज जिहड़े उहनां नू परचेज कर दे, राइट। And at this point of time, I would suggest go for Punjab core batch, because core batch de vich, single batch de vich, suppose tusi aaj purchase karde ho, further patwari di vacancy aayegi, Punjab police di vacancy aayegi, taan oh automatically tuhade purchased batch de vich hi add ho jaange without any extra payment, theek hai। So rather than assi different test series and courses le jaiye, go for Punjab core batch, one single batch, okay। Koi doubts hai kise nu taan mainu puch sakde ho chat बॉक्स दे विच, आई विल आंसर इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुरु हर गोबिंद सिंह जी किस सिटी दे फाउंडर सी, तरन तारन, करतारपुर, किरतपुर एंड गोइंदवाल साहिब, गो ऑन। गुरु हर गोबिंद जी इज एसोसिएटेड एंड मैं तो बार बार किया है, लेस देन हूं तो 20 दिन भी नहीं रह गए, इट इज सी किरतपुर एग्जाम नू, है ना। अगर तुम अज सपोज थोड़े विचों कोई ऐसा है जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं किसी ने दी या तुम लग रहा है कि टेस्ट नहीं दिते, तो ए 20 डेज लॉन्च पैड नू देके देखो एंड अमाउंट बहुत नॉमिनल है, बहुत घट पैसे है 75% तो बाद। सो आई जस्ट नीड योर 20 डेज एंड ए तुम प्लस दे वाल ही जाओगे, मेरी गारंटी, आई एम स्टैंडिंग हेयर, तुम टेस्ट सीरीज तो फायदा ना हो कहो, ठीक है। सो ट्राई एंड टेस्ट लॉन्च पैड, पहले टेस्ट सीरीज नाल टेस्ट करो एंड दैन सी कि तुसी पंजाब कोर बैच या फर्दर पीसीएस की तैयारी लिए लॉन्च पैड नाल जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे, गो फॉर टेस्ट सीरीज फर्स्ट, राइट। इस टाइम एक्साइज की टेस्ट सीरीज परचेज करना बेस्ट टाइम है, बिकॉज एग्जाम अपकमिंग है। आई जस्ट नीड योर 20 डेज। वीडियो होगी जनो अमरीक किदे विच कोर्स दे विच पूछ रहे हो, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा स्पेसिफिकली मैंशन कर दो, आई विल आंसर जो भी क्वेरीज है तुहाडे सारिआं दीआं। वीडियो का एग्जाम यू मीन, होएगा जी होएगा, वीडियो के एग्जाम दे विच कोई चेंज नहीं है। सरपेश की है, एक टर्बन है जी, दैट इज वॉर्न टर्बन ऑर्नामेंट है जो मेन लगाते हैं, ऑर्नामेंट है जो औरतें फोरहेड पे लगादिया है, ऑर्नामेंट जो मेन अपनी रिस्ट पे पाते हैं एंड नेक ऑर्नामेंट वॉर्न बाय विमेन। आंसर है जी ए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन सीगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, हम थोड़ी स्पीड ना चलांगे। फंडामेंटल राइट्स इज जिन्हों असी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहने हैं, प्लस ए भी दसना कि केड़े फंडामेंटल राइट्स नू, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है तो दसना ही है, प्लस किस परसनैलिटी ने फंडामेंटल राइट्स नू हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया है, ठीक है, गो ऑन। सो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है किनु, इट इज सेड टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किदे द्वारा किया गया है, हार्ट एंड सोल 32, वेरी नाइस, बी आर अंबेडकर दे द्वारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितों दी बोरो कीती है, ऑप्शंस देखो, रशिया, आयरलैंड, ब्रिटेन एंड अमेरिका। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ने कितों बोरो कीती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म बोरो कीती गई है सी, ब्रिटेन तो, ओके, नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आप नूं महाराजा ऑफ पंजाब किस साल दे विच डिक्लेयर कीता सी, प्रोक्लेम कीता सी, 1796, 1801, 1815 एंड 1824,
महाराजा ऑफ पंजाब महाराजा रणजीत सिंह इन्होंने अपने आप डिक्लेयर किया सी है ना। सो किस साल दे विच डिक्लेयर किया सी बी 1801 दे विच। ऑल राइट डंडन लंडन चलिए अगले क्वेश्चन ते। ओके नेक्स्ट देखो ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस तरीक नू साइन की गई सी। तुसी ये दसना है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर किदे विच केड़ी दो पार्टीज दे बिटवीन साइन की गई सी। बाय द वे द ऑप्शन है 9th मार्च 1941 25th अप्रैल 1809 12th ऑफ अगस्त 1946 एंड 13th नवंबर 1780। गो ऑन ट्रीटी ऑफ अमृतसर इनू साइन किया गया सीगा केड़े साल दे विच केड़ी तरीक नू 25 अप्रैल 1809 दे विच। ओके ग्रेट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिवर जेड़ी है महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स दी टेरिटरी नू सेपरेट कर रही सी। ब्यास चिनाब अपने को आ रहा है रावी एंड अपने को आ रहा है सतलुज महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स। गुड जस्सी ग्रेट। सो केड़ी रिवर जेड़ा है जी सेपरेट कर रही सी महाराजा रणजीत सिंह दी टेरिटरी नू एंड ब्रिटिशर्स नू सतलुज। सो सतलुज जेड़ी है जी इनू डिसाइड किया गया सीगा बॉर्डर बॉर्डर नहीं टेरिटरी सेपरेट करने वाली रिवर। ओके जस्सी वल्नरेबल लवी अमरीक पलकरण गुड। नेक्स्ट देखो द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट सिख स्टेट वॉज इंडिपेंडेंट सिख स्टेट दे फाउंडर कौन सी। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु नानक देव जी गुरु गोबिंद सिंह जी दिलीप सिंह एंड महाराजा रणजीत सिंह इंडिपेंडेंट सिख स्टेट दे फाउंडर। हलवा क्वेश्चन also known as the backbone of the Punjab Satluj. Yes go on what's the correct answer jaldi jaldi fatafat to answers de dio. The correct answer is D Maharaja Ranjit Singh rahe hai independent state of Sikh the founder absolutely acha Harmandir Sahib D ब्यूटीफिकेशन का टैग भी टाइटल जिहड़ा है वो किनूं दिता जांदा है ना जिन्होंने गोल्ड प्लेट्स दित्तियां सीगियां हरिमंदर साहिब दे विच। पता होएगा आंसर सारिआं नूं होपफुली है ना। नेक्स्ट देखो लाहौर ट्रीटी किहदे विच साइन कीती गई सी ब्रिटिशर्स ते महाराजा रणजीत सिंह दे विच मूल राज ते ब्रिटिशर्स दे विच दलीप सिंह ते अंग्रेजां दे विच लाल राजा लाल सिंह ते अंग्रेजां दे विच। हैलो सुखवीर जी हैलो go on जल्दी answers दे दो। It is लाहौर दी ट्रीटी जेड़ी है दिलीप सिंह ते अंग्रेजां दे विच साइन कीती गई सी। Very nice answer है C। नहीं जी A नहीं है दिलीप सिंह ने साइन कीती सी on behalf of the Britishers on behalf of the Sikh Empire not Britishers। Okay चलिए next question ते session एक बार share कर दो जी like द बटन दब दो जिन्होंने हुने हुने join किया है शेयर द सेशन बेयर मिनिमम तुसी करे बैठ के यही कर सकते हो साडे लई। इफ यू वांट टू थैंक लॉन्च पैड उन्हां दी क्लासेस लई तुसी शेयर कर दियो दो दो जगह ते सारे जाने ठीक है ते थम्स अप दे दो कि हां जी शेयर कर दिता है राइट। नेक्स्ट डिसग्रेसफुल बिहेवियर विद विच ऑफ द फॉलोइंग मदर क्वीन लेड टू सेकंड एंग्लो सिख वॉर इन्हां विचों केड़ी माता दे नाल डिसग्रेसफुल बिहेवियर होण दे कारण सेकंड एंग्लो सिख वॉर होई सी। क्वीन मदर गुलाब कौर क्वीन मदर चांद कौर क्वीन मदर जिंद कौर एंड नन ऑफ दीज इन्हां विचों कोई भी नहीं। गो ऑन व्हाट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू जी बाकी सारे भी जरूर शेयर कर दें। इट इज सी क्वीन मदर जिंद कौर। ओके नेक्स्ट सवाल आ रहा है सेकंड एंग्लो सिख वॉर्स ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ 1845 to 47 47 to 48 48 to 49 and 46 to 47 go on second anglo sikh war ਸਾਲ ਤਾਂ ਔਨ ਟਿਪਸ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਨਾ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਜੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੈ 1848 to 49 C करेक्ट आंसर है। इधर विच गलती दा स्कोप है हले सिंपल क्वेश्चंस दे विच बेसिक क्वेश्चंस दे विच। नेक्स्ट देखो
फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते सिख एम्पायर जिहड़ी है स्टार्ट हुई सीगी किस साल दे विच फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ऑप्शंस देखो की आ रहे ने 1845, 46, 47 and 48 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर Anyone would like to give any answers? First Anglo-Sikh War hoi sigi ji, saal 1845. Okay? Chaliye next question te. Great. Next dekho. Treaty of Lahore, Sikha te Angreza de vich sign kiti gai si. Kede saal de vich? 1836, 46, 56 and 1866. Treaty of Lahore was signed between Britishers and Sikh. Kede saal de vich sign kiti gayi si? Saal 1846. Okay, great. Next sawal. Dekho ki aa raha hai. Sham Singh Attariwal. Inhane Sikh army nu lead kita si kedi एंग्लो सिख वॉर दे विच बैटल ऑफ मुदकी फिरोज शहर सावराओं एंड रामनगर केड़ी बैटल दे विच इन्होंने सिख आर्मी नू रीड कीता सी शान सिंह अटारीवाल अगर तुसी स्पेशल सेशन लाया होवे जो सब तो पहला स्पेशल सेशन लगा सी तो तुसी तुहानू पता होएगा उत्थे डिटेल दे विच सारी जिहड़ी एंग्लो सिख वॉर दा रिवाइज कराईआं सी आंसर इज सी बैटल ऑफ सावराओं सी करेक्ट आंसर है ओके All right. Next question. आ रहा है. Sikh defeat कीते गए सी अंग्रेज़ां दे द्वारा 1846 दी केड़ी battle दे विच 1846 दी battle दा नाम दसना है सावराओं battle अमृतसर दी लाहौर दी या फिर कश्मीर दी Go on. It was the battle of सावराओं अंग्रेज डिफीट अंग्रेजा ने डिफीट कर दिता सी सिखा नू बैटल ऑफ सावराओं दे विच ए करेक्ट आंसर है जी नॉट सी ओके नेक्स्ट सवाल सिग्निफिकेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह कॉन्क्वेस्ट ऑफ लाहौर महाराजा रणजीत सिंह ने जो लाहौर नू कैप्चर किया सी ओदी इंपोर्टेंस की सी ओदी सिग्निफिकेंस की सी ए ज्यादा मिलिट्री सक्सेस दिखा रहा सी ਇਹਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਗੋ ਔਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਕੁਐਸਟ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ नेक्स्ट सवाल देखो ओके इकोनॉमी तो क्वेश्चन है जी ध्यान दे नाल करना है एप्रिसिएशन गवर्नमेंट इनक्रीज कर दी है एक्सचेंज रेट फॉरेन करेंसी दे कंपैरिजन दे विच रीवैल्यूएशन मतलब फ्री फ्लोटिंग यानी कि गवर्नमेंट दे विच कोई भी हिस्सा नहीं लेंदी मार्केट दी जिहड़ी डिमांड सप्लाई है और रीवैल्यूएशन जिहड़ी है ओनू करदी है ठीक है सो गो ऑन गोविंद मिश्रा वाह लंबे समय बाद गोविंद तुहानू लाइव सैशन दे विच देखिया है तुसी कित्थे गायब सीगे सो गो ऑन व्हाट इज द करेक्ट आंसर बी टू ओनली करेक्ट दसना है दोनों ओके ओनली टू नहीं आंसर है जी डी दोनों विचों कोई भी करेक्ट नहीं है ए उल्टा लिखिया है ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਪੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਓਕੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਔਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੂਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ
सो करेक्ट स्टेटमेंट जी है दसनी है, वन टू दोनों करेक्ट है, नीदर दोनों में कोई भी करेक्ट नहीं है. गो ऑन वेरी इजी. हैप्पी न्यू ईयर गोविंद जी, गॉड ब्लेस यू टू. ठीक है, आने वाला साल सब का बहुत शुभ एंड वधिया होवे. आंसर है जी सी, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 दे विच इंडियन नेशनल कांग्रेस जिहड़ी है उन्हों इललीगल डिक्लेयर किया गया सी, बट दैन जो नवी इलेक्टेड सरकार ब्रिटेन की उन्होंने वापस इनू लीगैलिटी या स्टेटस जरा है दे दिता. ओके अगला देखो, प्लस एफ लोगो एंडोसमेंट इनू यूज किया जाता है किस परपस लई? फैमिली फार्म प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिकली ग्रोन फिश, ग्रीन फाइनेंसिंग एंड फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स. गो ऑन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? प्लस एफ एंडोर्समेंट लोगो जिहड़ा है जी उन्हें यूज किया जाता है फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स दे विच. ओके डन. चलिए जी, गुड मॉर्निंग, जिंदगी जिंदाबाद है जी, वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे. ओके अगला सवाल देखो, आई थिंक इट इज शैडो नजर आ रही है आंसर दी, तो मैं आई एम ट्राइंग टू कवर द आंसर. ठीक है, फॉर्मेट चेंज होने कारण. सो इन्हां विचों केड़ी चीज जिहड़ी है जी कार्बन रिलीज लई रिस्पोंसिबल है सोयल दे विच? ऑप्शन देखो, टिलेज, ड्रेनिंग, ड्रेनेज ऑफ पीट लैंड, पीट लैंड दे विच जो ड्रेनेज होंगी है, डीफॉरेस्टेशन. सो की रिस्पोंसिबल है जिहदे कारण एटमोसफेयर दे विच कार्बन जिहड़ा है वह रिलीज हुंदा है? Go on. What is the correct answer? It is D. ये सारी ही जड़ी है जी major contributors है carbon दे environment दे विच. All right. Moving on to the next question. Okay. Back with the format. Which of the following statements Punjab दे state animal? Punjab दे state animal केड़ा है? Black buck है ना, काला हिरन. उहदे बारे correct है. सो पहली स्टेटमेंट कह रहा है ब्लैक बक एंटीलोप सेविक कैपरा इज नोन एज काला हिरन, इन काला हिरन कहने हैं. दैन पंजाब दे विच इहदी लार्जेस्ट पॉपुलेशन जिहड़ी है वह सानू मिलती है अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे विच, जिथे कि अप्रोक्सीमेटली 3500 प्लस ब्लैक बक्स जिहड़े है वह प्रेजेंट है. वॉट इज द करेक्ट आंसर? इट इज सी, दोनों ही स्टेटमेंट जिहड़ियां है ओ करेक्ट है. गुड शुभम, अमृतपाल, काजल. ओके हैप्पी न्यू ईयर राधिका, विशिंग यू अ ईयर फुल ऑफ प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस है ना, वेल्थ ते हेल्थ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ पंजाब केड़ा है? रोपड़ वेटलैंड, रणजीत सागर वेटलैंड, हरीके वेटलैंड एंड अपने को आ रहा है नंगल सेंचुरी, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ पंजाब पूछा है. गुड मॉर्निंग जी सारिआं नूं, वेलकम टू द सेशन है ना. कई लोग हुणे हुणे उठे ने तो उन्होंने सेशन नूं जॉइन इन किया है, वेलकम टू द सेशन एवरीवन. ओके ब्लैक बक स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो, गुड गोविंद, वेरी नाइस. हाँ जी, स्मॉलेस्ट वेटलैंड जी नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेटलैंड है. ओके डन, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की आ रहा है, इन्हां विचों दुआबा बिस्त जलंधर दुआब दे बारे केड़ी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए ट्रायंगुलर एरिया है ब्यास नॉर्थ वेस्ट दे विच ब्यास रिवर वास्ते एंड सतलुज इन साउथ. बिस्त दुआब तो टोटल चार डिस्ट्रिक्ट जड़े हैं जी कवर करता है, कपूरथला, जलंधर, हुशियारपुर एंड नवां शहर. गो ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी. किन्ने लोग देख रहे ने लेकिन आंसर्स घट आ रहे ने, वाई सेशन दे विच जोश क्यों घट है? व्हाट हैपन? आंसर सी है जी, दोनों ही स्टेटमेंट जरिया है करेक्ट है 100% यस. ठीक है, सो ये ट्रायंगुलर रीजन है, चार डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है, कपूरथला, जलंधर, हुशियारपुर एंड नवा शहर. All right, नीरज, विराज, गोविंद, गुरमुख सिंह, अमरीक, सेशन दे विच जोश को घट है, नींद नहीं खुली सारे दी, की चक्कर है?
पहले नींद खोलो, क्या किया जाए, गाना सुनो ना गाके, वो तो फिर लोरी हो जानी है, नींद आ जानी है, ठीक है। चक्कर ये है सेशन में जोश को घटा है, जागो मोहन प्यारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें जो केड़ी स्टेटमेंट केशवपुर म्यानी वेटलैंड दे बारे सही है, ए कपूरथला दे विच लोकेटेड है, ए बरी दुआब दे विच सिचुएटेड है, ए नेचुरल वेटलैंड है। गो ऑन, आई थिंक लाइव सेशन दे विच सिद्धू मूसेवाला चलाना पैना ता जाके किसी दी नींद खुलेगी, है ता ही जोश आऊगा सेशन दे विच। किसी नूं ग्लूकोज ता नहीं चाहिए, देख लो किसी तरह की कमजोरी महसूस हो रही हो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इट इज बी, टू एंड थ्री स्टेटमेंट जी 100% करेक्ट है। ये बहुत जरूरी है याद करना कि केड़ा वेटलैंड नेचुरल है, केड़ा वेटलैंड मैनमेड है। सो केशवपुर म्यानी नेचुरल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बी जिन्होंने आंसर दिता है। कपूरथला सिचुएटेड नहीं है, वेर इज केशवपुर म्यानी वेटलैंड सिचुएटेड, गुरदासपुर या कितने होर, एनी अदर प्लेस। गो ऑन जल्दी यार, आंसर्स करेक्ट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ऑफ पंजाब जिन्हों विराट की नगरी किया जाता है, ऑप्शंस देखो अपने कोल की आ रहे हैं, मुकेरिया, बटाला, दसुआ एंड अबोहर। चलिए चलिए, दैट्स ट्रू पत्रा साहब, गो ऑन गो ऑन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी यार जाग जाओ, इट इज सी, 100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ते चल रहे हैं, अगला सवाल देखो, सरोजनी नायडू ए प्रेसिडेंट सी कांग्रेस दे किस सेशन दी, 1922 सेशन गया, 1928 सेशन कैलकटा, 1925 सेशन कानपुर एंड 1931 सेशन कराची। सरोजनी नायडू वॉज अ प्रेसिडेंट, वी ऑल नो ए प्रेसिडेंट रही है, रहे ने, है ना। सो विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस शी वॉज द प्रेसिडेंट, क्या है जी करेक्ट आंसर, सी 1925 कानपुर सेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या आ रहा है, आईएनसी ने चार फेमस रेजोल्यूशंस, स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट ते नेशनल एजुकेशन जड़े है जी, एक किस सेशन दे विच पास कीते सी, 1906 कैलकटा सेशन, 1920 कैलकटा सेशन, 1929 लाहौर सेशन एंड 1919 अमृतसर सेशन। सो आईएनसी ने चार मेजर जड़े अपने प्रोविजंस है जी, चार मेजर रेजोल्यूशन है, वो 1906 कैलकटा सेशन दे विच पास कीते गए सी। स्वदेशी का पता ना, स्वदेशी नाल तुसी इजीली मार्क कर सकते हो। ओके, शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ यूपी, यस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ने 8th दिल्ली सुल्तान्स दे राज नू विटनेस कीता सी, जियाउद्दीन बरानी, शम्स ए सिर्फ, अफीफ, मिनहास उसराज एंड आमिर खुसरो। गो ऑन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इट इज डी, आमिर खुसरो इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल थे, दैट्स फाइन, कोई गल नहीं जी। एस सी बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी दे प्रेसिडेंट दिते गए केड़े सालां दे विच सीगे, 1932, 38, 41 एंड लास्ट आ रहा है 43। गो ऑन। ओके, हर्षीन मैम इज इन द सेशन, विशिंग यू ऑल ए हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू मैडम। सो मैम का भी अच्छा सेशन लगना है, सारे जाने क्लास लगान गया पूरा दिन, जो मॉक टेस्ट पंजाब जीके वगैरह लगने, आई थिंक हर्षीन मैम के साथ पंजाब जीके का टॉपिक करना है, सो बी देयर, ठीक है। ये शुरुआत इतने हो चुकी है, अगे पूरा दिन क्लासेस लगनिया है, इट इज 1938। ऑल राइट डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत रेवोल्यूशनरी सोसाइटी 1909 फाउंड किया गया, ठीक है, ये फाउंडर जड़े है वो कौन सी,
दामोदर चापेकर, वीडी सरवारकर, प्रफुल शाकिया एंड खुदीराम बोस. गो ऑन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? गो ऑन. अभिनव भारत, द रेवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904, ते इदे फाउंडर जेड़े हैं जी वी डी सरवारकर ने. ऑल राइट, फाइन. नेक्स्ट सवाल, सर थॉमस रो किदे कोर्ट विच इन्हां ने विजिट कीता सी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां. एंड लास्ट आ रहा है औरंगजेब. सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ, किदे कोर्ट दे विच इन्हां ने विजिट कीता सी? बड़ा इजी सवाल है, जल्दी जल्दी आंसर्स दे दियो, है ना. सो इन्होंने विजिट कीता सी जी कोर्ट दे विच, ताकि परमिशन जिहड़ी है सीक कर सकन फैक्ट्री सिस्टम जिहड़ा है उन्हों एस्टैबलिश करन लई. ठीक है, की है जी करेक्ट आंसर? बी, जहांगीर. ओके, डन. चलिए अगले क्वेश्चन ते. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन. की है जी अपने को अगला सवाल, ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर. ओके, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार जड़ा है उन्हों गाया गया सी? ऑप्शंस देखो की है अपने को, 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, देन अपने को आ रहा है 1903 आईएनसी का सेशन, 1911 आईएनसी का सेशन एंड 1900 आईएनसी सेशन. गो ऑन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वंदे मातरम पहली बार गाया गया सी आईएनसी दे केड़े सेशन दे विच? सो फर्स्ट टाइम जड़ा है 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस दे सेशन दे विच वंदे मातरम जड़ा है जी ओनू गाया गया सी. ओके, ग्रेट, ए इज द करेक्ट आंसर. ए है, 1911 नहीं है. मुगल मुगल किंग्स जिन्हें राजा राम मोहन रॉय नू लंडन भेजा सी एज हिज एनवॉय, कौन सी? ऑप्शंस देखो की आ रहे ने अपने कोल, आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू एंड बहादुर शाह टू. गो ऑन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट इज सी, अकबर टू. ओके जी, देन अकबर टू, राइट. नेक्स्ट सवाल देखो, म्यूटनी ऑफ 1857 द रिवोल्ट नू फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया गया सी इन्हां विचों किदे द्वारा? ऑप्शंस देखो की आ रहे ने, बाल गंगाधर तिलक, एस सी बोस, भगत सिंह एंड वी डी सरवारकर. म्यूटनी 1857 दी ओनू फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया गया सी इन्हां विचों किदे द्वारा? सेशन ते लाइक बटन दब दियो जी, प्लीज शेयर द सेशन. आंसर है वी डी सरवारकर, अगेन अभिनव भारत सोसाइटी दे फाउंडर. ओके, देन उस तो इलावा जी मैं फिर दस दवा, 75% ऑफ आज हाफ डे तक एक्सटेंड हो चुका है. सो ए 75% ऑफ के अंदर टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज आर वेरी वेरी नॉमिनल. ठीक है, 1750 दे विच पंजाब कोर बैच अवेलेबल है. ठीक है, सो पंजाब कोर बैच 1750 बहुत नॉमिनल अमाउंट है. कोर तुसी लगाना है जी एलपी निकिता, इहदे विच स्पेस नहीं देनी. वैबसाइट launchpadeducation.in ते जाना है. एंड जिहड़े बच्चे एक्साइज दा पेपर देन जा रहे हैं जनवरी दे विच, आई जस्ट नीड योर 20 डेज जिहड़े है सानू दियो, तुहाडी तैयारी बहुत वधिया हो जाएगी. ठीक है, पॉजिटिव वाली नंबर जानगे. सो एनरोल योर सेल्फ. ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस 1905 जिहड़ा है, 1907 जिहड़ा है, वह कितने होया सी? 1907 स्पेशल सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तुम्हें सारे नु पता है सूरत स्प्लिट ले जाने जाता है, तो कितने होया सी? त्रिपुरा, सूरत, भोपाल एंड अहमदाबाद. गो ऑन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट इज बी, सूरत. इजी है, सूरत स्प्लिट के नाम तो सेशन जोड़ा है जाना गया है. यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी? बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, जॉर्ज यूल एंड नन. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट वॉज बदरुद्दीन तैयब जी, अदरवाइज उसके अलावा फर्स्ट यूरोपियन कौन सी? फर्स्ट यूरोपियन वॉज सी
जॉर्ज यूल. ओके यस, सूरत स्प्लिट वाला सेशन जरा है राज बिहारी गोजदे द्वारा जरा है प्रिसाइड किया गया. ऑल राइट, नेक्स्ट सवाल ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर. देखिए, हु रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. ये गल जी है जी कि द्वारा कही गई सी, महात्मा गांधी, एस सी बोस, बाल गंगाधर तिलक एंड लास्ट आ रहा है लाला लाजपत राय. स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. ये गया किया गया सी बाल गंगाधर तिलक दे द्वारा. ओके आ गया जी, ठीक है. नेक्स्ट सवाल देखो क्या आया है. टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल कुका मूवमेंट किथे ऑर्गेनाइज की गई सी. हलवा क्वेश्चन, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र. गो ऑन फटाफट. जल्दी जल्दी, इट इज पंजाब दे विच कुका मूवमेंट जी ऑर्गेनाइज की गई सी. अच्छा ये दसो कि कुका मूवमेंट जी है इदे लीडर कौन सी. हु वॉज द लीडर ऑफ कुका मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटीज नो लाइफ टाइम लेजेंड अवार्ड जरा है पंजाब लिविंग लेजेंड का जरा है पंजाब एसोसिएशन के द्वारा दिता गया है. ऑप्शंस देखो, कामिनी कौशल, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार एंड शत्रुघ्न सिन्हा. नादान परिंदे, हेलो जी, लंबे समय बाद तुसी आज लाइव दे विच नजर आ रहे हो. नाश्ता हो गया सारा दा? ओके ओके, बाबा राम सिंह एसोसिएटेड ने कुका मूवमेंट के नाल, ठीक है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर. यस, आंसर इज सी, दिलीप कुमार को मिला है लिविंग लेजेंड लाइफ टाइम अवार्ड बाय पंजाब एसोसिएशन. डन जी, चलिए अगले क्वेश्चन दे उते. ठीक ने सारे, किसी कमजोरी तो नहीं महसूस हो रही, देख लो. ओके नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच अमंग द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स मॉन्टगोमरी इन पाकिस्तान दे विच सिचुएटेड है. ऑप्शन देखो, हड़प्पा, मोहिंजोदारो, कालीबंगा एंड चानू दारो. मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्हां विचों केड़ी साइट जड़ी है लोकेटेड है. हड़प्पा, मोहिंजोदारो, कालीबंगा एंड चानू दारो. गो ऑन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर. इट इज ए, हड़प्पा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे. ओके नेक्स्ट सवाल देखो. हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सॉरी विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी गॉट बर्थ विद पंजाब. पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 दे अंडर एक तो पंजाब जड़ा है पंजाब की स्टेट जड़ी है अपनी दैट वॉज रीऑर्गेनाइज. सो केड़ी नवी स्टेट जड़ी है दैट एमर्ज्ड. ऑप्शन देखो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एंड नन ऑफ दीज. गो ऑन, जल्दी 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 करेक्ट आंसर फटाफट दे दो. इस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट दे अंडर द अदर स्टेट दैट एमर्ज्ड गिवन बर्थ वाज हरियाणा. ठीक है, हुन एक काम करना है, आज क्लास तो बाद की करना है जिन्नी भी सारी स्टेट्स दी फॉर्मेशन है उदे साल ते क्रोनोलॉजी याद करनी है बिकॉज उथो दी एग्जाम विच क्वेश्चन मिले है प्रीवियस ईयर देखने को मिले है PSSSB और पूछते हैं. ठीक है, कि केड़े साल दे विच केड़ी स्टेट जिहड़ी उहनू फॉर्म किया गया सीगा. राइट, नेक्स्ट देखो, इन्हां विचों केड़ी एग्जाम्पल है जी फंडामेंटल राइट्स नू एक्सरसाइज करन दी जिथे फंडामेंटल राइट्स यूज हो रहे ने. पहली स्टेटमेंट देखो, वर्कर्स फ्रॉम बिहार, बिहार तो पंजाब वर्कर जा रहे हैं काम करन लई. मिशनरीज जड़े है क्रिश्चियन मिशनरीज उन्होंने अपने मिशनरी स्कूल जड़े है उन्हों खोलिया है. ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट विच कह रहे ने पेरेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टी जड़ी है उन्हें बच्चों ने माँ प्यो के बच्चों ने जी है इनहेरिट की थी है. ठीक है, केड़े केस दे विच फंडामेंटल राइट्स यूज होंदे हुए सानू नजर आ रहे है ये आंसर तुसी देना है. केवल पहले दो
दूसरे तीसरे च एक ते तीसरे च एंड 1, 2 and 3 क्वेश्चन समझ आ गया ना सारे नू गो ऑन फटाफट आंसर्स दे दो 1, 2, 3 सारे नहीं सारे तो नहीं है ए है ना बिहार टू पंजाब अगर कोई वर्कर जा रहा है ए है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना फ्रीडम के अंडर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाला राइट है ना एक स्टेट दूसरी स्टेट कोई भी जा सकता है ठीक है ए कहड़ा है जी राइट टू रिलीजन प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन ते अपने रिलीजन के अंडर इंस्टीट्यूट जो उन्होंने सैट करके अपने रिलीजन जोड़ा है उन्होंने स्प्रेड किया जा सके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल ट्रैवलिंग थ्रू वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थार डेजर्ट किथे किथे नजर आती है राजस्थान गुजरात हरियाणा एंड पंजाब थार डेजर्ट इन्हां विचों केड़ी स्टेट्स दे विच सानूं नजर आती है क्वेश्चन मैं पहले भी कराया है ठीक है सो प्लीज गो ऑन जल्दी 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 व्हाट इज द करेक्ट आंसर इट इज डी ए सारी ही स्टेट जी है जी पंजाब दी इंडिया दी थार डेजर्ट दे अंडर आंदी है प्लस थार डेजर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों दी कंट्रीज नु जेड़ा है जी वो कवर करती है अपार्ट फ्रॉम दैट 60% ऑफ थार डेजर्ट जी है वो इंडिया दी सब कॉन्टिनेंट इंडिया दी रीजन दे विच प्रेजेंट है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सो एक थार डेजर्ट की इनफॉरमेशन दे रखी है स्क्रीनशॉट्स कैप्चर कर सकते हो बाकी लूनी रिवर की इनफॉरमेशन है साडे कोल राजस्थान दे एरिया दे विच राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है होम ऑफ गार्गी मैत्री एंड कपिला गार्गी मैत्री एंड कपिला का होम विदिशा उज्जैन पाटलिपुत्रा एंड मिथिला गो ऑन करंट अफेयर्स दे ज्यादा क्वेश्चन कितों आंदे ने ज्यादा ध्यान दईए जिधर फिर सारे ही करने पैने ने बलकरण सिंह जी मैं क्या है जिहड़े स्टेट दे करंट अफेयर्स हुंदे है देखो सिर्फ वो करने है जो फर्स्ट ऑफ स्टेट हुंदे है ना जिवें किसी स्टेट दे विच कुछ पहला होया है अंटिल एंड अनलेस कोई स्टेट दी खबर नैशनल हेडलाइंस नहीं बंदी उदों तक उहनूं करन दा कोई पॉइंट नहीं है जिवें स्टेट दी स्कीम्स दे उत्ते असीं एमसीक्यूज वगैरह करदे रहिंदे हां नो नीड फर्स्ट ऑफ स्टेट नूं इस लास्ट 20 डेज दे विच पूरा कवर कर लो वो सारे जिहड़ा हुण 6 मंथ्स दा सैशन लगा सी कल उहदे च मैं कवर करवा दित्ते आ मेजोरिटी वैसे उहदे विच कवर हो चुके आ अगर फर्स्ट किते रोड बनी है किसी तरह दी लिथियम आयन सेल फैक्टरी है ये सब आपां उत्थे कवर कर लिता है ठीक है एंड अदरवाइज नैशनल न्यूज दे विच तुसीं सारे जिवें मेजर नैशनल न्यूज हो गई कोई मिशन हो गया किस कंट्री दा मिशन है सो ऑन वो सारी नैशनल न्यूज तो सारी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो उहनूं कर लियो राइट सो द आंसर मिथिला है आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग लास्ट 20 डेज इन चीजों के उत्ते फोकस जिहड़ा है वो किया जा सकता है राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ते होर किसी नूं कोई डाउट है तो पूछ लो भाई लास्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजी बहुत पक्की होनी चाहिए है ठीक है एक भी गलती आप उहदे विच अफोर्ड नहीं कर सकते द एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਵਧ ਰੁਹੇਲਖੰਡ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਐਂਡ ਮਾਲਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੱਲ 6 ਮੰਥ ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਸੀਗਾ ਲਗਾਉਣਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਲੈ ਲਿਓ ਪੀਡੀਐਫ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪੀਡੀਐਫ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਹਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਫਟਰ ਦ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਲਵਾ ਓਕੇ ਦੈਨ ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ते चल रहे हैं अगला सवाल देखो सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पाज किदा दा सीगा फेयरली इगैलिटेरियन स्लेव लेबर बेसी कलर वर्ना सिस्टम सी जी इथे एंड लास्ट आ रहा है थे कास्ट सिस्टम जड़ा है सीगा सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा किस तरह दा सी फेयरली इगैलिटेरियन इक्वालिटी दे उत्ते बेस्ड सिस्टम जड़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन दा सी देन बलकरण लॉन्च पैड एजुकेशन पंजाब ए टेलीग्राम चैनल है इथे तुहानू मिल जाएगी पीडीएफ नाम है लॉन्च पैड एजुकेशन पंजाब अदरवाइज एक स्टूडेंट चैट ग्रुप भी है वो भी ज्वाइन करना है तो कर सकते हो लॉन्च पैड एजुकेशन स्टूडेंट हेल्प पोस्ट ठीक है साइंस एंड टेक वाली क्लास की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई प्लीज सेंड करा दो अमृतपाल जी राइट आफ्टर द क्लास अपलोड हो जाएगी ठीक है इमीजिएटली क्लास तो बाद अपलोड करवा देने हैं टीम नू कह के
डोंट वरी. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इंफॉर्मेशन दिंदे है सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वेदिक एज दे बारे. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा एंड सामवेदा. नोटेड है जी, जिन्होंने जिन्होंने पीडीएफ दी गल तुसी कीती है, राइट आफ्टर द क्लास अपलोड हो जाएगी. साइंस एंड टेक पिछली जिन्नी भी है, आंसर है जी ए ऋग्वेदा. ऑल राइट, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन ते चल रहे हैं. यूनिवर्सिटी जिहड़ी फेमस हुई सी पोस्ट गुप्ता ईरा दे विच, कांची, तक्षशिला, नालंदा एंड वल्लभी. प्लीज रीड दिस. पोस्ट गुप्ता ईरा दे विच फेमस होने वाली यूनिवर्सिटी केड़ी सीगी जी? जल्दी आंसर्स देओ फटाफट. इट इज नालंदा यूनिवर्सिटी पोस्ट गुप्ता ईरा दे विच जड़ी है वो डेवलप हुई सी. ऑल राइट, नेक्स्ट सवाल. बाना भट्टा किस एम्परर दे कोर्ट पोएट सी? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धना एंड फोर्थ अपने को आ रहा है कनिष्का. वेरी इजी, बाना भट्टा वॉज द कोर्ट पोएट. इन्हां विचों किदे? हर्ष चरित्रा ये बाना भट्टा द्वारा लिखी गई सी या है ऑटोबायोग्राफी सी? हर्षा दे द्वारा अपने आप लिखी गई सी. देव फटाफट आंसर्स. विक्रमादित्य, कुमार गुप्त, हर्षवर्धन एंड कनिष्का. सो आंसर बहुत सिंपल है, हर्षवर्धना दे कोर्ट पोएट सी बाना भट्टा. ओके, नेक्स्ट देखो. फर्स्ट इंडियन रूलर जिन्होंने इंडियन नेवी दी सुप्रीमेसी इस्टैबलिश की सी अरेबियन सी दे विच, राजा राजा वन, राजेंद्र वन, राजा धीराज वन एंड कुलटुंगा वन. फर्स्ट इंडियन रूलर जिन्होंने अपनी सुप्रीमेसी जी है जी इस्टैबलिश किया अरेबियन सी च, दैट वॉज राजा राजा वन. ऑल राइट, चलिए ओके. नेक्स्ट सवाल देखो. विच स्टेटमेंट ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन करेक्ट है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जेडे है वो हॉर्स सैक्रीफाइस बारे जानते सी, उन्होंने वास्ते काउ सैक्रेट सी, पशुपति वॉज वेनेटेड बाय देम एंड कल्चर वॉज जनरली स्टैटिक्स. गो ऑन, वॉट इज द करेक्ट आंसर? गवर्नमेंट स्कीम्स डू नॉट नीड टू लर्न. काजल केड़ी गवर्नमेंट स्कीम्स डू नॉट नीड, मतलब तुसी पूछ रहे हो जो जरूरत नहीं है करन दी? कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक, या फिर तुसी कह रहे हो कि नीड नहीं है गवर्नमेंट स्कीम्स करन दी? यस काजल, आई रेडी योर मैसेज लेकिन मैनू समझ नहीं आया. गवर्नमेंट स्कीम्स डू नॉट नीड टू रीड, पूछ रहे हो कि गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने की लोड़ है या नहीं? फर्स्ट तीर्थंकर कौन सी? अरिष्टनेमी, पर्शवनाथ, अजीतनाथ एंड ऋषभा. फर्स्ट तीर्थंकर कौन सी? बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई. पहले तीर्थंकर वाज ऋषभा एंड इन टोटल 24 तीर्थंकर्स जेड़े है वो सीगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की आ रहा है अपने को. द ग्रेट सिल्क रूट इन इंडिया किदे द्वारा ओपन किया गया सी? राम मिलन, मौर्या. ओके, ऑप्शन देखो. कनिष्का, अशोका, हर्षा एंड फाहियान. यस 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 एब्सोल्युटली इट इज कनिष्का. ग्रेट सिल्क रूट इन्होंने ओपन किया सी. ऑल राइट, नेक्स्ट देखो की आ रहा है. रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टेटेड की टैक्स फ्री विलेजेस जड़िया है ब्राह्मण्स ते बुद्धिस्ट मॉन्क्स नू दितियां जानगियां? अगर तुसी एनसीईआरटी की क्लासेस लगा रहे हो तुहानू आंसर जड़ा है जी आंदा होएगा. ठीक है, सतावाहनाज, मौर्याज, गुप्ताज एंड चोलाज. काजल, आई हैव रेड योर मैसेज. तुसी यही पूछ रहे हो ना कि गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने की लोड़ है या नहीं? देखो सेंट्रल लेवल की जी गवर्नमेंट स्कीम्स है एक बार उन्होंने नजर मारना जरूरी है. पी ट्रिपल एस बी का ट्रेंड बहुत घट है कि गवर्नमेंट स्कीम्स होते सवाल जरा है पूछ लवे.
मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम्स तो फुल फॉर्म दे चांसेस रहते हैं ना, कोई मेजर गवर्नमेंट स्कीम दा अगर कोई मेजर सब पार्ट जड़ा है न्यूज़ दे विच रहा है तो फुल फॉर्म पूछ लेंदे कि इहदी फुल फॉर्म की है, राइट? सो ओ चीजां कवर करनियां बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग दीक्षु जी, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो बुद्धिस्ट मॉन्क्स नू लैंड ग्रांट कीता गया सी सतावाहनास दे द्वारा। ओके, सतावाहनास ने अपना रिलीजन जड़ा है वैसे भी ब्राह्मणिज्म अडॉप्ट कीता होया सी, राइट? अगर तुसी एनसीईआरटी दी क्लासेस लगा रहे हो तो ए चीजां बिल्कुल टिप्स ते होनगियां। मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स दे नाल वेदास दा केड़ा टेक्स्ट रिलेटेड है? सतपथा ब्राह्मणा, अथर्ववेदा, सुलभा सूत्रा एंड चंडोग्या उपनिषदा। न्यू ईयर दी रौनक ला रहे हो हैं, शाबाश, गो ऑन, फटाफट आंसर्स दे दो जी। मैथ्स दे नाल विच इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इज रिलेटेड? इट इज सुलवा सुलवा सूत्रास। हेलो पंकज जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नवे साल दिया सारे नु बहुत बहुत बधाइयां। सेशन ते लाइक दा बटन दब दो, सेशन नु शेयर कर दो टू द मैक्सिमम। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट देखो की आ रहा है। यावनिका और कर्टन इंडियन थिएटर दे विच किदे द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया सी? ऑप्शंस देखो अपने कोल की आ रहे ने। शाकास, पार्थियंस, ग्रीक्स एंड कुशानास। गो ऑन, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जरा पर्दा सिस्टम है जी थिएटर दे विच, एक ग्रीक्स सब तो पहला एदी पूरी टेक्निक जड़ी है ओनू लेके आए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साका एरा दा जरा यू स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा यूज किया जाता है, इनू स्टार्ट किते द्वारा किया गया सी? कनिष्का ने किया सी, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त एंड लास्ट अपने को आ रहा है अशोका। साका एरा वाज स्टार्टेड बाय कनिष्का। ओके देन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की आ रहा है अपने को। हु इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता, अजंता दी पेंटिंग्स किदे द्वारा इंस्पायर्ड की दिया गया सी? ठीक है, कंपैशनेट बुद्धा, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थंकर्स एंड महाभारता एनकाउंटर्स। गो ऑन, पेंटिंग्स ऑफ अजंता दे वर इंस्पायर्ड बाय कंपैशनेट बुद्धा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काजल जी फुल फॉर्म्स करनिया है बस पी ट्रिपल एस बी ले, ठीक है? ओके कुलदीप कंबोज, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेमिसेस हैव बीन डिक्लेयर्ड एज टोबैको फ्री जोन्स रिसेंटली? ऑप्शंस देखो, साफरदंग हॉस्पिटल, एम्स पटना, एम्स जोधपुर एंड एम्स न्यू दिल्ली, राइट? टोबैको फ्री जोन इन्हां विचों किनू रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन, एम्स दिल्ली करंट जो क्वेश्चन है, राइट? कल 6 मंथ्स दे करंट अफेयर्स दे पूरा सेशन जड़ा है जी लगा है, जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा गो वॉच इट, प्लेलिस्ट खोलो 6 मंथ्स दे करंट अफेयर्स जुलाई तो लेके दिसंबर तक दे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 3-4 क्वेश्चन सानू ओदे विचों नजर आ जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीनेम किया है जी प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम एज पर पीएम विकास स्कीम, तब विकास दे विच एस दे फुल फॉर्म की है सी काजल? दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो स्कीम्स विचों पी ट्रिपल एस भी पूछती है, ठीक है? अदरवाइज तुसी पीसीएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो फिर तो स्कीम्स दे डिटेल दे विच जाना पड़ेगा, ठीक है? पी ट्रिपल एस भी मेजरली फुल फॉर्म्स तो ही क्वेश्चन जड़ा है उन्हें पूछती है, ठीक है? जिवें यहां देखो, विकास दे विच एस दा की मतलब है, विकास दी फुल फॉर्म जड़ी है जी वो की है, सो इतों दी क्वेश्चन जड़े है वो आ जाते हैं, यही कवर करने हैं सिर्फ न्यूज वाले। इट इज साम वर्धन न्यूज दे विच रहा है तो ऑब्वियसली कवर करोगे, इकोनमी नू किसी तरीके नाल इफेक्ट कर रही है तो जरूर उन्हें कवर करोगे, ठीक है? यही फॉर्मेट रहा है पी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस ईयर, अगर तुम एनालिसिस करो तो, एंड सेम वी आर एक्सपेक्टिंग अगे भी ऐदा ही होएगा, ठीक है? इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 जनवरी 2023 दे विच होएगा,
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੈਨਿਊ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੋਪਾਲ ਐਂਡ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁੱਡ 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 ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਡ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਚ ਓਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ जीएसटी काउंसिल मीटिंग 48th वाली रिसेंटली मोस्ट रिसेंट किस जगह पे हुई है बैंगलोर न्यू दिल्ली गुवाहाटी एंड अहमदाबाद गो ऑन हैप्पी न्यू ईयर कीर्ति दीवान जी वेरी गुड मॉर्निंग जी हैप्पी न्यू ईयर विशिंग यू ऑल द हेल्थ एंड वेल्थ आंसर है जी बी नवी दिल्ली न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला ओके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अनाउंस किया है कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कितने साल की ड्यूरेशन लिए जरा है बन रहा है 2023 तो 24 24 तो 25 26 तो 27 एंड 28 तो 29 जो बच्चे 8 बजे तो सेशन के भी जुड़े हुए हैं वेरी गुड ठीक है बिकॉज मिनिमम यही है इट इज 28 to 29 राइट बिकॉज अगर आप बहुत डिलीजेंस के नाल अपनी तैयारी करांगे बैठांगे उस तो बाद ही एग्जाम क्रैक होने के चांसेस है अदरवाइज एग्जाम जोड़ा है क्रैक होने के चांसेस बहुत घट रहते हैं ठीक है मैक्सिमम ड्यूरेशन जी है अपने एग्जाम के यही है कि तुम एटलीस्ट डेढ़ दो घंटे बह के एक सेशन जो है लगातार लगा रहे हो लगाओगे तो जाके कुछ रिजल्ट मिलेगा डी आंसर करेक्ट है भाई बेसिक क्वेश्चन के विच गलतियां रीसेंटली केडी मिनिस्ट्री ने कलैबोरेशन विच प्रसिद्ध फाउंडेशन इनोगरेट किया दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल एट कर्तव्य पथ नवी दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड बी आ रहा है इनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड लास्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गो ऑन इन कलैबोरेशन विद प्रसिद्ध फाउंडेशन ने इनोग्रेट किया है दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल सो ये किया गया है जी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Who has inaugurated and foundation stone lay kita hai 68,000 crore rupees the major development projects Tripura and Meghalaya de vich Narendra Modi, Amit Shah, Rajnath Singh and Draupadi Murmu. Session te like button dab deo ji jinna ne hune hune join in kita hai. Right? And session nu share karna nahi pulna. Go on. 6800 crore rupees. दी अनाउंसमेंट की गई है बाय नरेंद्र मोदी एब्सोल्युटली ए करेक्ट आंसर है मोदी जी सही जवाब है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली किने अनाउंस किया है वन वीक वन लैब कंट्री वाइड कैंपेन जनवरी 6 तो जोड़ा है जी स्टार्ट होएगा अनुराग ठाकुर पीयूष गोयल जितेंद्र सिंह एंड नितिन गडकरी गो ऑन वन वीक वन लैब इनिशिएटिव इनू अनाउंस किया गया है बाय जितेंद्र सिंह नेक्स्ट यूपी मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर दयाशंकर ने 63rd सेशन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी किस सिटी के विच जड़ा है उन्हें इनोग्रेट किया है ऑप्शंस देखो अयोध्या वाराणसी कानपुर एंड अपने को आ रहा है जी लखनऊ Go on. What is the correct answer? Arsh, Dikshu, Pankaj, Kajal, Viraj, Shubham, Amrik, great. Answer hai ji D, Lucknow. All right. Next sawal. Ki aa raha hai? State government has launched Friends of Library program under which of the books would be directly given to those who are unable to access the state-run libraries. जो state-run libraries नो access नहीं कर सकते, ठीक है? तो state government ने उन्हें वस्ते एक program launch किया है Friends of Library, ताकि books directly यड़ियाँ हैं उन्हें तक पहुँचाएँगे जान. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात and आंध्र प्रदेश. What is the correct answer? केरी state का initiative है. Let us see.
ईरा इनिशिएटिव है। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ एब्सोल्युटली तमिलनाडु। ओके, सो दैट वॉज इट फॉर अवर टूडेज क्लास। अगेन जी 75% जिन्होंने अवेल करना है उन्होंने मैं दस दें कि 75% जी लेना है टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज देते ए आज मिड डे तक ही अवेलेबल है। सीधे वेबसाइट पे जाओगे launchpadeducation.in, दिस इज द वेबसाइट लिंक, राइट। क्लास को रेट करना नहीं भूलना, तुझे जाना है जी अवर कोर्सेज देते। सी पंजाब कोर बैच है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, एक्साइज एंड टैक्सेशन का कोर्स है, पंजाब कोर बैच है। सी 12 सूदी टेस्ट सीरीज जड़ी है जी नजर आ रही है, आई एडेड टू द कार्ट, राइट। उस तो बाद तुसी इतने देख रहे हो 1200 दिन नजर आ रही है, इतने तुसी कूपन कोड लगाना है जी। कूपन कोड किवें लगाना है? एलपी निकिता कूपन कोड लगाना है। ये मैं जूम करके दिखा दवा, इहदे विच स्पेस नहीं देनी, ठीक है। सो अज मिड डे तो बाद 75% एक्सटेंड आप, वैसे तो रात 12 बजे ओवर हो जाना सी, लेकिन 5-6 स्टूडेंट्स ने मैनू पर्सनल मैसेज आए थे, संचित सर नूं आए थे, एंड फिर मैनेजमेंट नूं रिक्वेस्ट करके इनू हाफ डे तक एक्सटेंड किया गया है। एलपी निकिता कोड लगाना है जी, टेस्ट सीरीज मिनिमम है जो तुसी परचेस करोगे अपने एग्जाम की प्रेपरेशन लिए, अदरवाइज एग्जाम क्रैक होने के चांसेस नहीं है। सिर्फ ₹300 के विच टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जी, इस तो कट रहे टेस्ट सीरीज नहीं होएगा। टोटल 24 टेस्ट ने, जिदे विच सेक्शनल टेस्ट भी ने एंड फुल सिलेबस टेस्ट भी ने। सो गो फॉर टेस्ट सीरीज, मेक श्योर की हर एक चीज तुसी बहुत तरीके दे नाल कर रहे हो। इस टाइम तो टेस्ट सीरीज लगाना, दो चीजें ले जाओ, या तो टेस्ट सीरीज ले जाओ या फिर पंजाब कोर बैच ले जाओ। पंजाब कोर बैच तुहानू मैं दस दिता है, सपोज तुसी पंजाब कोर बैच जिहड़ा है उन्हों परचेज कर दो, 1750 का, इतने 7000 नजर आ रहा है, इहदे कोड लगा के 1750 का इहनू परचेज कर सकते हो। कोड की है जी LPNIKITA, स्पेस नहीं देनी, ठीक है। सो बेस्ट विशेस टू एवरी वन, हैप्पी न्यू ईयर, ये साल सब का चढ़दी कला वाला साल होवे, एंड सारे जने अपनी जिंदगी दे विच बहुत बहुत तरक्की करन, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग नाल रब तुहानू खुशियां देवे। सो गो अहेड, कीप स्टडिंग, मेक श्योर कि एग्जाम इस साल क्रैक हुंदा है, मेक दिस द लास्ट ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट। सी यू ऑल, कीप स्टडिंग विद लॉन्चपैड एजुकेशन पंजाब। हाँ जी, PDF आ जाएगा राइट आफ्टर द क्लास, डोंट वरी। सी यू जी।